दिनांक 7/8 फरवरी की रात में एक सब्जी व्यापारी सुब्बन निषाद कोतवाली सुल्तानपुर का रहने वाला था। वह मिर्जापुर सब्जी खरीदने जा रहा था तो भुपिया मऊ के पास कुछ अपराधी होंडा सिटी में सवार होकर के उसका पिकअप छीन लिए थे और उससे पैसा भी छीन लिए थे और उसको मार करके घायल करके गंजेड़ा जंगल के पास फेंक दिए थे। तो उस समय इंस्पेक्टर कोतवाली सीओ सिटी और प्रभारी स्वाट अपनी टीम के साथ पहुंचे थे और उसका पता करते हुए पीछा किए हैं। तो ये हरदोई के पास तक का उनका लोकेशन मिला, फिर वहाँ से ये भागते हुए आए हैं। तो उसमें से जो शाम को बरामद हुआ है पिकअप, तो उसमें एक संजीत गुप्ता गिरफ्तार हुआ है यहाँ पर। और उससे जब पूछताछ किया गया तो पूछताछ में उसने ये बताया कि आज रात में स्विफ्ट डिजायर से सवार होकर के 5-6 अपराधी यह पुनः जो है यहाँ से लूट करने वाले हैं, किसी स्थान पर कोई ट्रक ये लूटेंगे। इस सूचना पर चारों तरफ से घेराबंदी की गई तो कोतवाली की टीम और चौकी इंचार्ज भुपिया मऊ, चौकी इंचार्ज सिटी और प्रभारी स्वाट और सीओ सिटी, इन लोगों के चारों तरफ से घेर करके और स्विफ्ट डिजायर में सवार बदमाश ATL की तरफ भागे हैं और दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। तो उसमें 3 अपराधी घायल हुए हैं, एक गौरव पांडे और दूसरा सचिन शर्मा और तीसरा सलमान पूरे अंती थाना अंतु क्षेत्र का रहने वाला है। गौरव पांडे और सचिन शर्मा ये सुखपाल नगर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्होंने पूछताछ में ये बताया है कि 3 अपराधी जो गुफरान और उसका भाई वकील और एक प्रयागराज का अरशद, ये तीनों वहाँ से भागे हैं। उनको ढूंढने के लिए कंबिंग की जा रही है और सारी पुलिस जो है कंबिंग कर रही है और गिरफ्तारी करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इनके कब्जे से 2 तमंचे 315 बोर के और एक नकली पिस्टल बरामद हुई है और एक स्विफ्ट डिजायर बरामद हुई है। ये लोग किसी घटना को अंजाम देने जा रहे थे? हाँ, ये जो सूचना मिली है कि ये किसी ट्रक से लूटपाट करने वाले थे और इनके बारे में पूछताछ भी अभी मालूम हुआ कि इन्होंने छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख रुपए एक ट्रक से लूटा था। और इस घटना के बारे में वहाँ संबंधित जनपद से हम बातचीत करके और उसको भी क्लियर करेंगे कि उसका कौन सा अपराध संख्या है जहाँ पे लूटपाट किए हैं। ये हाईवे पे लूट करते हैं, ये अंतर्राज्यीय गिरोह बनाए हुए हैं। हाईवे लुटेरे कह सकते हैं हाईवे के लुटेरे कह सकते हैं इनको।